अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूपी के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफे की चिट्ठी भेजी है। जल शक्ति राज्य मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है और साथ ही अपनी चिट्ठी में लिखा है कि दलित होने के चलते अनदेखी की गई। दिनेश खटीक ने तबादलों में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर जो है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहने वाले दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा भेज दिया है। जो चिट्ठी उन्होंने लिखी उस पूरी चिट्ठी में कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि विभागाध्यक्ष से जब मैं संबंधित ट्रांसफर की जानकारी मांगता हूं तो फोन काट दिया जाता है। दलित होने की वजह से मेरी बात नहीं सुनी जाती है। कई मीटिंग होती है, बैठकें होती है, मुझे उसके बारे में कोई सूचना नहीं दी जाती है। मुझसे इस तरीके से व्यवहार किया जाता है जैसे मैं कोई मंत्री नहीं बल्कि कोई ऐरा गहरा हूं। तो इस तरीके से उन्होंने कई आरोप लगाए हैं और आरोपों के साथ अपनी चिट्ठी सीधे दिल्ली दरबार पहुंचा दी है। सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने अपनी ये चिट्ठी भेज दी है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात, जितेंद्र प्रसाद भी अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग और जितेंद्र प्रसाद भी अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दरबार में पेश हो सकते हैं। केपी मौर्य ने गृह मंत्री से मिलने का समय मांगा है। दिल्ली में मौजूद है केशव प्रसाद मौर्य। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां दिल्ली पहुंचे यूपी के राज्य मंत्री दिनेश खटीक और साथ ही जितेंद्र प्रसाद ने भी समय मांग लिया है और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए ये समय उनकी तरफ से मांगा गया है। इतना ही नहीं, जितेंद्र प्रसाद भी अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच एक और ये बड़ी खबर, जितेंद्र प्रसाद पर भी जांच की आ चाह गई और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात, केपी मौर्य ने भी गृह मंत्री से मिलने का समय मांगा है। तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी यहां समय मांग लिया है अमित शाह से मिलने का। तो दिल्ली में अब यूपी के मंत्रियों का डेरा देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ दिनेश खटीक ने चिट्ठी भेज दी है इस्तीफे की, तो दूसरी तरफ जितेंद्र प्रसाद भी अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम गृह मंत्री से मिलने का उन्होंने भी समय मांगा है। दिल्ली में वो मौजूद है। लगातार यहां तीन मंत्रियों पर जांच की आज देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे में ये और बड़ी खबर हो जाती है जब खुद केशव प्रसाद मौर्य भी मिलने के लिए वक्त मांगते हैं। हालांकि अगर बात की जाए दिनेश खटीक की, तो उन्होंने सीधे तौर पर अपना इस्तीफा प्रेषित कर दिया है, भेज दिया है। और इस बीच जितेंद्र प्रसाद ने भी मिलने का समय मांग लिया है। पीडब्ल्यूडी विभाग उनके पास है, पीडब्ल्यूडी विभाग में भी जांच बैठा दी गई है और ऐसे में उन्होंने खुद भी मिलने का समय मांगा है। और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नीरज मिश्रा जुड़ गए हैं। नीरज, जिस तरीके से दिल्ली में यूपी के मंत्रियों ने डेरा डाल लिया है, यहां पर सवाल अब ये उठने लगे हैं, क्या यूपी में सब कुछ ठीक ठाक है? बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल है। इस समय उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल जो है वो बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। तमाम मंत्री नाराज चल रहे हैं। अब ये बात किसी से छुपी नहीं है, तमाम चीज़ें बाहर आ गई हैं। चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, वहाँ पर इस समय 6-6 अधिकारियों को निलंबित किया गया है, हटाया गया है। ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के मामले को लेकर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की भी नहीं सुनी जाती, ये भी उन्होंने पत्र में लिखा था। और साफ तौर पर जो तबादला नीति थी उस पर सवाल उठाए थे। अब दिनेश खटीक ने सीधे गृह मंत्री को इस्तीफा लिख दिया और अमित शाह को सीधे इस्तीफा लिखते हुए उन्होंने कहा कि उनके विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी वो डिमांड करते हैं कि भ्रष्टाचारियों को हटाया जाए, तो उनका फ़ोन काट दिया जाता है, उनसे कोई बात नहीं करता और उनको जो है वर्क विदाउट पोर्टफोलियो मंत्री बना दिया है। तो तमाम तरीके के आरोप लगाए और साथ में ये भी कहा कि दलित समाज का होने के नाते उनकी नहीं सुनी जाती। एक बहुत लंबा चौड़ा पूरा लेटर, पूरा जो 100 दिन पूरे होने पर सरकार ने जितनी उपलब्धियाँ बताई थी उन तमाम चीज़ों को दिखाते हुए उन्होंने ये पूरा लेटर वायरल किया कि 100 दिन में उनके साथ क्या क्या उपलब्धियां की हैं अधिकारियों ने। अधिकारी हमें बताते नहीं कि कौन सी योजना चल रही है। तमाम चीजों को लेकर उन्होंने सीधे सीधे अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए अपना इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल जितेंद्र प्रसाद भी वहां पर हैं, उनके विभाग में भी जिस तरह से उन्होंने शिकायत की थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग उनकी शुरू नहीं जाती, जो तमाम भ्रष्ट अधिकारी हैं वो उनके विभाग में लगातार बने हुए हैं। इस समय केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली में है। तो एक बहुत बड़ी हलचल
उत्तर प्रदेश की राजनीति में मची हुई है और दिल्ली में दरबार लगा हुआ है तमाम बड़े मंत्रियों का। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिर ऊंट किस करवर बैठता है, लेकिन इस पूरे मामले पर विपक्ष जरूर चुटकी लेने लगा है। अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है, अखिलेश यादव ने कहा बड़ा मौका है जी नीरज, ये बड़ा मौका है जहाँ विपक्ष के नेता इस के लिए बैठे होते हैं कि किस तरीके से निशाना साधा जाए। अब जब खुद सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं वो इस तरीके से निशाना साधने का मौका दे रहे हैं तो कोई भी यहाँ चूकने नहीं वाला है। अखिलेश यादव ने ट्वीट पर निशाना साधा है, लेकिन ऐसे में जितेंद्र प्रसाद पीडब्ल्यूडी विभाग में जिस तरीके से गड़बड़ियां निकल कर सामने आ रही है, सीधे तौर पर जितेंद्र प्रसाद का ये कहना है उन्हें कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल, देखिए उनका यही कहना है कि जो अधिकारी हैं वो ना तो उनको जानकारी देते हैं तबादला नीति पर, तबादला जब होता है उनसे कोई राय नहीं ली गई। इसके अलावा जिस तरह से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तमाम चीजें कही कि, और वो जाते भी हैं हॉस्पिटल्स में, जो 4 करोड़ की दवाइयां थी जो एक्सपायर हो गई थी उसको लेकर उन्होंने जांच की बात कही थी, लिखी थी, चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उसका कुछ भी नहीं निकला। यानी जो अधिकारी हैं नौकरशाही जो है वो समय हावी नजर आ रही है, जो बड़े बड़े नेता हैं मंत्री हैं इनके ऊपर। और यही वजह है कि जो खटास है, जो खाई है अधिकारियों और मंत्रियों के बीच में वो इतनी बढ़ गई है कि जहां एक तरफ सरकार 100 दिन की उपलब्धियां गिना रही थी 2 दिन पहले तक, वहीं अब ये खाई ये दिखाती है कि 100 दिन में तमाम मंत्री किस तरह से परेशान रहे अपने ही अधिकारियों को, और उन्ही अधिकारियों के खिलाफ ये तमाम मंत्री यहाँ से लेकर दिल्ली तक डेरा जमाए हुए हैं। और इसके अलावा दिनेश खटीक ने तमाम तरह के सवाल उठाते हुए अमित शाह को अपना इस्तीफा भेजा है। उन्होंने कहा नमामि गंगे परियोजनाएं में जो परियोजना है उसमें तमाम तरह की अनियमितता आ रही है, वो लगातार लेटर लिख रहे हैं, उनके लेटर का कोई मतलब नहीं हो रहा है, वो फोन करते हैं तो अधिकारी उनका फोन तक नहीं उठा नीरज यहाँ पर जी नीरज यहाँ पर ऐसे में समझने वाली बात ये है कि योगी सरकार पार्ट वन में जिस तरीके से देखने को मिला था लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ खुद बैठक करते थे और सीधे तौर पर निर्देश देते थे कि किसी भी तरीके की गड़बड़ी मैं यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करूंगा जितने भी नौकरशाह हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यूपी की राजनीति में ब्यूरोक्रेट्स ज्यादा हावी हो गए हैं। बिल्कुल, यूपी की राजनीति में हमेशा ब्यूरोक्रेट्स हावी रहे हैं, और ये न केवल इस सरकार में बल्कि अगर हम पूर्ववर्ती मायावती की सरकार देखें, अखिलेश यादव की सरकार देखें और उसके बाद योगी फर्स्ट का जो कार्यकाल था उसमें जरूर थोड़ी लगाम थी, लेकिन इस बार ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई और यहाँ तक सामने आ गई कि दिल्ली तक पूरा बवाल मचा हुआ है, तमाम मंत्री वहां जाकर डेरा डाले हुए हैं और कह रहे हैं ऐसे लोगों को हटाया जाए, हमारी विभाग में सुनी नहीं जा रही है, और यहाँ तक नहीं सुनी जा रही है कि वो छोटा सा ट्रांसफर किसी भ्रष्ट अधिकारी का नहीं कर पा रहे हैं, शिकायत मिलने के बाद उनका फोन प्रमुख सचिव स्तर के लोग काट देते हैं हेलो करने के साथ ही, जैसे पता चलता है कि राज्य मंत्री है नीरज, ऐसे में उनका फोन काट के किनारे कर दिया जाता नीरज, ऐसे में राजनीतिक गलियारों में हलचल क्या है। यहाँ पर इस्तीफे की पेशकश तो कर दी गई है दिनेश खटीक के द्वारा, लेकिन क्या उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा या फिर आपसी ये जो प्रतिद्वंद मचा हुआ है उसको समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बताया ये जा रहा है कि जानकारी नहीं है दिनेश खटीक कहाँ पर है, इस्तीफा जरूर उन्होंने भेज दिया है। खट्टे के बारे में जानकारी आ रही है कि सुबह वो मेरठ थे और कल वो अमित शाह से मिले थे और अब इस समय फिर वो दिल्ली गए हैं। जो उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है वो अमित शाह को भेजा है अपनी पूरी व्यथा का वर्णन करते हुए, लेकिन जो इस्तीफा होता है वो राज्यपाल को भेजा जाता है, राज्यपाल उसको एक्सेप्ट करती है, फिर वो मुख्यमंत्री तक जाता है, तो ये तमाम कार्रवाई होती है। उन्होंने राज्यपाल को ना भेज के सीधे सीधे अपनी पूरी व्यथा कथा लिखते हुए अमित शाह को अपना इस्तीफा भेज दिया है, अपना दर्द जो है वो बयान किया है कि मुझे इस पद पे रहने का क्या मतलब जब एक छोटे से वो जेई से लेके और चपरासी तक का ट्रांसफर नहीं कर सकते, और साथ में उन्होंने दलित कार्ड भी इसीलिए डाल दिया है कि दलित होने के कारण उनकी ये अधिकारी जो तमाम बड़े पदों पर बैठे हैं उनकी सुनते ही नहीं, ना उनसे सलाह लेते हैं, अगर वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं तो उनका फोन कट कर दिया जाता है। आखिर किसकी सह पे कौन है इसके पीछे, लेकिन इतना जरूर है दिनेश, और ऐसे में ये भी कई सवाल, माफ करिएगा बिल्कुल नीरज, यहाँ पर ऐसे में कई सवाल ये भी खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे भरोसा न दिखा करके सीधे दिल्ली दरबार पहुंच गए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।